हाई एवरी वन, इफ यू वॉचिंग दिस वीडियो देन इट्स फॉर अ रीज़न. येस, आज मैं करंट एनर्जी निकालने वाली हूँ ऑफ योर पार्टनर. चाहे आप रिलेशनशिप में हैं या बात नहीं हो रही, या कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती ना कि कभी वापस आएगा या नहीं, और शुड आई वेट मूव ऑन, है ना. कोई भी एनर्जी हो रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, वी आर गोइंग टू टेक आउट अ रीडिंग फॉर दैट वन. जस्ट रिमेंबर दीज आर जनरल एनर्जी, है ना. फॉर पर्सनल गाइडेंस यू हैव टू कनेक्ट विद मी पर्सनली. आई विल लीव यू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अदर देन दैट, and if you want to join me on my free live, that is Tuesdays on my Instagram channel, I'll leave you a link for that also. So now start thinking about the person, जो भी आपकी situation है उसके बारे में सोचे, and let me take out a reading कि सामने वाला जो आपका partner है उनकी क्या energy है, है ना. So let's take out. I'm sensing lot of ego. जी हाँ, देखो ईगो एंड टार कार्ड का आना बहुत अच्छा साइन नहीं है, है ना. जब चीज़ें हो जाती है ना, एक हॉल्ट पे आ जाती है, ठीक है. जिन जब चीज़ें फेवर में कम काम करना शुरू हो जाती है, जो भी करो आप, जैसे मनाने की भी ट्राई करो, तो वो हमेशा गलत रास्ते पे ही चला जाते है ना. दैट कॉन्वर्सेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, कि हम ठीक भी करना चाह रहे थे तो ठीक नहीं हो रही, है ना. और एक वो ईगो की आ रही है कि पार्टनर की ना, मैं क्यों करूं ये करे, है ना. एक ईगो की भी एनर्जी आ रही है पार्टनर से, बट डोंट वरी, ठीक है. लेट्स सी कि इस एनर्जी में कुछ चेंज आएगा या नहीं सामने वाले पार्टनर से. कैन यू एक्सपेक्ट सम चेंजेस, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो पर्सन की एनर्जी चेंज होगी आने वाले दिनों में, और कैसा रहेगा हमारा सफ़र. लेट्स सी, ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है ना, अब कैसा रहेगा, कब ठीक होगा. सो लेट्स सी अगेन. सी, चीज़ें ठीक हो सकती है, बट आई एम सेंसिंग लॉट ऑफ इमोशनल अभी, है ना. लॉट ऑफ इमोशंस आर इन्वॉल्व. मून का आना रीडिंग में आ रहा, मतलब चीज़ें ये नहीं है कि जिस तरीके से हम चाहते हैं उसी तरीके से होए. दे विल अनफोल्ड विद अ डिफरेंट, वो है ना, जैसे जो हमने सोचा नहीं होता कि ये हो जाए, ज़्यादातर वो हो जाता है. तो उसी टाइप की एनर्जी आ रही है मून, है ना, जिसमें विच विल लीव यू थोड़े टाइम के लिए, जैसे डिप्रेशन में या सैडनेस, है ना, थोड़े टाइम के लिए ही. बट दिस इज़ ऑल टेम्प्ररी, ठीक है. यू हैव टू ब्रेक दिस एनर्जी, ब्रेक दिस पैटर्न, दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू. क्योंकि पार्टनर की एनर्जी अच्छी नहीं है, तो आपकी एनर्जी मुझे इतनी अच्छी आ नहीं रही, तो उस एनर्जी को अच्छा करना है. अपनी सैड और ग्लूमिनेस से आपको बाहर आना है, ठीक है, तभी चीज़ें ठीक होंगी. आप देख रहे हैं ये सब कहाँ लेके जा रहा है. इसमें ये नहीं आया कि चीज़ें अब ठीक हो नहीं सकती. आप दोनों के बीच में चीज़ें अभी भी बेटर हो सकती हैं, ठीक है. टू का साइन आया है, दैट मीन्स रीयूनियन का साइन आया है. तो हाँ, डेफिनेटली चीज़ें बेटर हो सकती हैं. इट विल टेक टाइम, ठीक है. ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आने वाले कुछ चार पाँच दिनों में या हफ्ते में हो जाएगा. नहीं, इट माइट टेक टाइम, बिकॉज चीज़ें ख़राब हुई हैं और दोनों की वजह से हुई है, ठीक है. बट थिंग्स कैन गेट बेटर, है ना. कई बार हम दूसरों के प्रस्पेक्ट से नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, है ना. या अगर उनके बारे में भी सोचते हैं, तो वो ये नहीं सोच पाते हम कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं. सो नाउ इज द टाइम यू बोथ हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर रिलेशनशिप, ठीक है. क्योंकि मुझे रीयूनियन दिख रहा है, मुझे मिलना दिख रहा है, मुझे चीज़ों का भी ठीक होना दिख रहा है, ठीक है. सो डू क्लेम दैट एनर्जी विथ 777 इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज़ फील फ्री टू मैसेज मी और जॉइन मी ऑन माई लाइव ऑन ट्यूजडेज फॉर लाइव रीडिंग, ठीक है, विच इज़ फ्री ऑफ कोर्स. सो टेक केयर गाइज एंड हैव अ नाइस टाइम. बाय बाय.